हेलो फ्रेंड्स, कल हमने इस चैप्टर की एक वीडियो कर ली है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस कराए हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स के आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आज हम इसे ख़त्म कर देंगे, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। ठीक, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज बिल्ट, बीम इज शोन इन फिगर, देन शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन बीम इज रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये जो डायग्राम है, ठीक, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है, और इस बीम का शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें दो POC आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लक्स, कि ये बीम कौन सा है। ठीक है, जब भी तो हम बात करेंगे कि शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, बीम कौन सा है और इसमें लोडिंग कैसी लगी हुई है। ठीक है, पहली बात तो बीम कौन सा है ये हो गया, अगर इसमें दो पॉइंट आ रहे हैं POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लक्स। ठीक, तो इसका मतलब ये है फिक्स्ड बीम। ठीक, इस बात का ध्यान रखना, जिसमें भी दो पॉइंट आ रहे हों वो है फिक्स्ड बीम। अब बात करते हैं हम लोडिंग की, कि इसमें लोड कैसा लग रहा है जो इसमें दोनों तरफ इंक्लाइंड आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि कौन सी उसमें कौन सी लोडिंग लगती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ UDL की, ठीक है, UDL की बात करूँ तो UDL में इंक्लाइंड लोड लगता है। ठीक है, तो इंक्लाइंड, ठीक, तो इसमें कम्प्लीटली लग रहा है UDL। ठीक है, UDL में इंक्लाइंड लगता है। ठीक है, अगर मैं फिक्स्ड बीम की बात करूँ और UDL है, ठीक, UDL में शेयर फोर्स में इंक्लाइंड लगता है और, ठीक है, कम्प्लीटली, और बेंडिंग मोमेंट में 2 डिग्री कर्व। ठीक, तो अगर मैं पॉइंट लोड की बात करूँ, पॉइंट लोड में, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे फिगर पॉइंट लोड की बात करूँ, पॉइंट लोड में क्या होगा कि अगर शेयर फोर्स की बात करें तो वो लीनियर होगा और बेंडिंग मोमेंट में वो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये लोडिंग लोड, ये शेयर फोर्स, ये बेंडिंग मोमेंट। अगर हमारा कोई लोड नहीं है, ठीक है, नो लोडिंग, अगर कोई लोड नहीं है तो शेयर फोर्स हमारा लीनियर होगा और बेंडिंग मोमेंट हमारा इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर हमारा UDL है, ठीक है, UDL लोड है तो हमारा शेयर फोर्स इंक्लाइंड होगा और बेंडिंग मोमेंट हमारा 2 डिग्री कर होगा। ठीक है, अगर हमारा UVL, ठीक है, अगर हमारा फोर्स UVL होगा, ठीक, हमारा फोर्स अगर UVL होगा तो शेयर फोर्स डायग्राम हमारा 2 डिग्री कर्व और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा 3 डिग्री कर्व। ठीक है, पैराबोलिक कर्व बनेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें आते हैं। ठीक है, POC है तो फिक्स्ड बीम है, अगर मैं UDL लगाऊं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अब नू देखें इंक्लाइंड किस में है। ठीक है, नो लोड में, अगर जहाँ पर लोड नहीं है तो वहाँ पर अगर इंक्लाइंड है, इसका मतलब पॉइंट लोड है, इसका मतलब यहाँ पर लोड नहीं है तो कहीं पर पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड कहाँ पर होगा, पॉइंट लोड ये फिक्स्ड है, यहाँ पर तो होने से रहा पॉइंट लोड, तो जहाँ पर मैक्सिमम है वहीं पर ही पॉइंट, जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहीं पर हमारा लोड होगा, तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहीं पर है तो यहीं पर हमारा लोड है। ठीक, W लोड लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा A है, ठीक, बी हमें पता नहीं कहाँ पे है इसमें, ये हमारा C है और ये हमारा D है। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट पता करने के बाद ये हमें POC पता लगता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन शेप सही। ठीक, चलिए अब इसका हम SFD बनाएंगे फिर BMD बनाएंगे। ठीक है, पहले तो इसकी रिएक्शंस, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ इसका SFD कैसे बनेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव जाएगा, ठीक, यहाँ से W नीचे आएगा, फिर ये, ठीक, ये इसकी जो रिएक्शन होगी, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये है SFD और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कुछ इस तरीके बनेगा। ठीक है, जो इसमें दे रखा है ऐसी, ये A है, ये C है और ये E है। ठीक, ये इस भी कर सकते हैं, तो इसका SFD क्या है,
ये ठीक, तो आंसर कौन सा सही है, ए, ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सब्जेक्टिव स्ट्रक्चर मेंबर प्रीडोमिनेटली सब्जेक्टेड टू, प्रीडोमिनेटली इसका मतलब होता है मुख्य रूप से, ठीक है। अ सब्जेक्टेड मेंबर, ठीक है, बीम जो है, बीम किस स्ट्रक्चर मेंबर, जो बीम है वो मुख्य रूप से स्ट्रक्चर में किस तरह का काम करता है, ठीक है, बीम, ठीक है, एक्सियल लोड नहीं, नॉन ऑफ दिस नहीं, ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं, नॉन ऑफ दिस है नहीं, तो ट्रांसमिशन लोड, ठीक है। अब देखिए कोई बीम है, ठीक, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई लोड लगाता हूँ, ये डब्लू, तो इस लोड को अगर मैंने यहाँ पर कोई कॉलम खड़ा किया है बीम के ऊपर या कुछ लगाया, तो वो ट्रांसवर्स लोड ही तो लगा है, ठीक है ना। एक्सियल लोड ये होता है, ठीक है, ये बीम का काम नहीं होता है, ट्रांसवर्स लोड को, ठीक है ना। ट्विस्टिंग मोमेंट ना, तो ट्विस्टिंग मोमेंट बीम का काम होता है, बस ट्रांसवर्स लोड को बेयरिंग करना ही हमारा बीम का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर ऑक्योर, ठीक है, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर कौन कौन से बीम में हमें मिलेगा, ठीक है। द पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर ऑक्योर कैंटिलीवर बीम में, कंटिन्यूस बीम में, ठीक है सी, ओवरहैंगिंग बीम में, या ए और बी दोनों में। कैंटिलीवर बीम में, कैंटिलीवर बीम में तो पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर नहीं मिलता, ठीक है। कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, ठीक, ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें सिर्फ एक तरफा इस तरीके से, ठीक है, वो बनेगा, इसमें कोई पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर नहीं आता है। कंटिन्यूस बीम में, ठीक, कंटिन्यूस बीम आता है। ओवरहैंगिंग बीम में आ भी सकता है, नहीं भी, ठीक है, इसमें हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते हैं, तो बी इज़ मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, तो बी इज़ करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सपोर्ट होती है, ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूस बीम। ओवरहैंगिंग बीम ये है, ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम, ए वन साइड ओवरहैंग हो सकता है, टू साइड ओवरहैंग हो, इसमें कह नहीं सकते कि बन भी सकता है नहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्लू ओवर एंटायर द लेंथ ऑफ द बीम, ठीक। एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पर यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, डब्लू, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, एट अ सेंटर होता है, ठीक है, ये वैल्यू होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है, एट अ मिड स्पैन पे, ठीक, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, निकालने के लिए आप कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू याद रखनी है। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई, हमारे सिंपल सपोर्टेड बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई होता है, वो भी मिड स्पिन पर, ठीक है। लेकिन शेप मैंने आपको ये बना के दिखा दिया, कुछ इस तरह का सा ये शेप होती है बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। तो ऑप्शन इज ए इज़ करेक्ट वन, ठीक है, ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ शेयर फोर्स एट अ पॉइंट काउंटर फ्लेक्चर इन अ फॉलोइंग बीम्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर पर शेयर फोर्स कितना है। इस बीम में हमें पता नहीं कि काउंटर फ्लेक्चर बनेगा नहीं बनेगा, पहली बात हम इसमें पता कर सकते हैं पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर बनेगा या नहीं बनेगा, वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं होगा कि हम वहाँ पे पेपर में कि हम इसमें पता करें है या नहीं या कहाँ पे कितना है नहीं। अब देखिए जब इसमें मोमेंट लग रहा है, ठीक है, मोमेंट के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ मोमेंट लग रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे जब मोमेंट के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब इससे इधर और इससे इधर सेम शेयर फोर्स है, इधर की साइड सेम शेयर फोर्स, इधर की साइड सेम शेयर फोर्स। अब वो शेयर फोर्स क्या है वो अब निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार हल्का सा बता के दिखा रहा हूँ कि शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम,
शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा इसका कुछ इस तरीके से। सॉरी यह है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, यह कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। यह है पॉइंट ऑफ कॉन्टर फ्लेक्सर, ठीक है। और शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा और एंटायर लेंथ रेक्टेंगुलर, ठीक है। यह हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, यह एस एफ डी और यह हमारा बी एम डी। और इसकी हमें यह डिस्टेंस नहीं पता कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर शेयर फोर्स कितना है। जब शेयर फोर्स पूरे बीम पर, देखो हमने शेयर फोर्स डायग्राम पूरे बीम पर एक जैसे ही है, लेकिन वो क्या है अब निकालते हैं, ठीक है। पहले रिएक्शन निकाल लेंगे, आर ए प्लस आर बी डेट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ट्रांसवर्स लोड कोई नहीं लग रहा, ठीक है। यह है आर ए, यह है आर बी, तो आर ए प्लस आर बी कोई लोड नहीं लग रहा, अभी सिर्फ मोमेंट लगा है, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम इस पर मोमेंट जीरो लेंगे हिंज पर, ठीक है, और निकाल लेंगे इन्हें, ठीक है। ये कैसा लग रहा है, डेट इज एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज तो माइनस के आर बी इंटू एल, मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। मैं इक्वेशन ले रहा हूँ मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसे लेकर आर बी इंटू एल, ठीक है। और जी ये कैसा है, ये भी एंटी क्लॉक वाइज है, तो माइनस एम डेट इज इक्वल टू जीरो, तो एम इक्वल टू माइनस के, एम इक्वल टू माइनस के एल इंटू आर बी, तो आर बी इक्वल टू माइनस के, आर बी इक्वल टू माइनस के एम बाई एल, ठीक है। आर बी माइनस के एम बाई एल, और जी आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के एम बाई, वो प्लस के एम बाई एल, ठीक है। जब वैल्यू, ये वैल्यू पुट इसमें करेंगे, ठीक, आर ए की वैल्यू आ गई, आर बी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो आर ए की वैल्यू इतनी है, आर बी की वैल्यू इतनी है, एम बाई एल और एम बाई एल, डेट इज़ अ मैक्सिमम शेयर फोर्स वही होगा जो रिएक्शन पर होगा, ठीक है। एम बाई एल मैक्सिमम शेयर फोर्स, ठीक। तो डी इज़ करेक्ट वन, डी इज़ करेक्ट वन, एम बाई एल डेट इज़ मैक्सिमम शेयर फोर्स वही होगा जो रिएक्शंस, जो कि जिस रिएक्शंस, जो रिएक्शंस मैक्सिमम होगी वही हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा, ठीक है। तो डेट इज़ अ मैक्सिमम शेयर फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर अबाउट द कैंटिलीवर बीम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स ए पर कितना है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। इस पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट अगर ये एम है तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो भी एम होगा, ठीक है। जब यहाँ पर शेयर फोर्स जीरो है तो यहाँ पर भी शेयर फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिएक्शन एट अ सपोर्ट ए इज, ठीक। सपोर्ट ए पर रिएक्शन निकालनी है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, आर ए प्लस आर बी, ठीक है। मैं मान रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक। कैसे, ये भी अपसाइड लग रहा है, ठीक है। आर ए प्लस आर बी माइनस 20, ठीक। ये हमारा रिएक्शन, मतलब एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, इक्वेशन वन से। अब इक्वेशन सेकंड लगाते हैं, मैं आर बी एट मोमेंट बी इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट बी पर, वो पॉइंट बी पर मोमेंट में जीरो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और इसकी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ये कैसा बनेगा, एंड क्लॉक वाइज, ठीक है। तो आर ए इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। और ये भी क्लॉक वाइज प्लस 200 इंटू 200 डैट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो आर ए इज इक्वल टू 400 माइनस के ओवर 100, इससे ये क्या, तो आर ए इक्वल टू माइनस के 4, आर ए आ गया माइनस के 4, ठीक है।
हंड्रेड ओ सॉरी 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 ये 20 है, ये 20 है, ठीक है 20 है ये 20 इक्वल टू 000, ठीक है ये आ गया 40, ठीक है। आर ए इक्वल टू माइनस फोर्टी का मतलब है जो हमने यहाँ पे ये आर ए निकाला है ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ना होके ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। माइनस का सिग्निफिकेंस यहाँ पर है, जो हमने ये रिएक्शन का साइड लिया है ना ये अपवर्ड लिया था लेकिन हमें ये डाउनवर्ड करना होगा जब ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के तो आर ए इज इक्वल टू 40, ठीक है डाउनवर्ड 40 है, ठीक है तो डाउनवर्ड 40 तो ए इज करेक्ट वन, ठीक है। और एक चीज़ और, इतना बड़ा ना करके जितना मैंने किया है बस आपको क्या करना है, इन्होंने पूछा है सपोर्ट एट रिएक्शन ए, ठीक है सपोर्ट एट रिएक्शन ए पूछा है, बस क्या करना है आपको एट मोमेंट बी पर लो और सीधा ए पर रिएक्शन निकाल दो, सिर्फ इतना, ठीक है इतना करो, यही हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है इतने में हमारा आंसर लिखा है। अगर बी पर पूछा है तो ए पर हम क्या नाम है मोमेंट जीरो ले लें, ठीक है जोन सी अगर रिएक्शन पूछा है, रिएक्शन निकालना सबसे सिंपल वे है, ठीक है जिस पे रिएक्शन निकालनी है उससे दूसरी सपोर्ट को पता है, जिस सपोर्ट पर हमें रिएक्शन निकालनी है उसके दूसरी सपोर्ट पर मोमेंट इक्वल टू जीरो लिख दो, अगर वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है अगर फिक्स है तो हम मोमेंट जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल द शेयर फोर्स वेरी फ्रॉम, ठीक है कैंटिलीवर बीम है यूडीएल लगा हुआ है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में लिखवाया था कि अगर यूडीएल है, ठीक है तो शेयर फोर्स कैसा होगा, अगर यूडीएल है तो शेयर फोर्स कैसा होगा, ठीक है यूडीएल, ठीक है लीनियर पैराबोलिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं, लीनियर, ठीक जो मैंने लिखवाया था आपको ये टेबल लिखवाई थी, यूडीएल, ठीक है यहाँ पे है नो लोडिंग, यहाँ पे है यूडीएल, यहाँ पे है यूवीएल, ठीक ये है शेयर फोर्स, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नो लोड पे तो क्या नाम है ये लीनियर होगा, ये इंक्लाइंड होगा, ये इंक्लाइंड होगा, ये 2 डिग्री कर्व होगा, ये 2 डिग्री कर्व होगा, ये होगा 3 डिग्री कर्व, ठीक है ये इंक्लाइंड, तो यूडीएल पे क्या है इंक्लाइंड लेकिन है क्या स्ट्रेट लीनियर, ठीक है लीनियर, ठीक है ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कैंटिलीवर ऑफ अ स्पैन एल, अ कैंटिलीवर ऑफ स्पैन एल हैज अ लोडेड पी एक्टिंग एट अ फ्री एंड देन बेंडिंग मोमेंट एट अ फ्री एंड विल बी, ठीक है चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। अ कैंटिलीवर बीम, ठीक कैंटिलीवर बीम स्पैन एल, ठीक है एक्टिंग लोड पी एक्टिंग एट अ फ्री एंड, ठीक है यहाँ पर पी लोड लग रहा है फ्री एंड पर, ठीक है पी, ठीक बेंडिंग मोमेंट एट अ फ्री एंड, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट पी इंटू जीरो, अगर मुझे यहाँ पे लोड निकालना है बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है बेंडिंग मोमेंट तो मैं क्या निकाल लूँगा पी इंटू जीरो डेट इज इक्वल टू जीरो इज करेक्ट वन। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो क्या होगा पी इंटू एल, अगर ये है पी पर, बी पर हमसे पूछा है मुझे निकालना है, बी पर हमसे पूछा है तो बी का कितना आ गया जीरो, जीरो इसका सही आंसर है ए, ठीक है लेकिन अगर मैं पूछूँ मुझे से ए का निकालना है तो ए का कैसे निकलेगा, ठीक एम ए P into L, ठीक है तो क्या होगा PL, ठीक है PL कैसा होगा ये क्या है ठीक क्लॉकवाइज, नहीं वो एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है क्लॉकवाइज 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 मूवमेंट होगा लेकिन रिएक्शन कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है रिएक्शन P into L की एंटी क्लॉकवाइज होगी लेकिन मूवमेंट कितना होगा PL into PL क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर विच सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है फिर यूडीएल आ गया, यूडीएल में याद करें यूडीएल में क्या था, यूडीएल में अगर मैं यूडीएल की बात करूँ तो शेयर फोर्स हमारा क्या था इंक्लाइंड और जी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारा कैसा था बेंडिंग मूवमेंट था हमारा 2 डिग्री कर्व, ठीक है यूडीएल में
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। और ये बीम कैसा है हमारा, कैंटिलीवर, बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो कैसा आएगा, 2 डिग्री कर्व, ठीक है। क्यूबिक पैराबोला, पैराबोला तो सीज पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला का मतलब है 3 डिग्री कर्व, 3 डिग्री कर्व पैराबोला, ठीक है। पैराबोला का मतलब 2 डिग्री कर्व, ठीक है। और 1 डिग्री कर्व हमेशा लीनियर होता है, 1 डिग्री कोई कर्व नहीं होता, 1 डिग्री का मतलब होता है लीनियर, ठीक है। ये है 2 डिग्री कर्व पैराबोला, तो सी इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आज एक्स्ट्रा डाला, ये मैं इसे कल करा चुका हूँ, लेकिन कल हम इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी, ठीक है। तो आज मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ, ठीक है, और इस क्वेश्चन के थोड़े टॉपिक हैं भी बताता हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने आपको कल इसकी 3 कंडीशन बताई थी। एक, अगर एल पहले तो मैं L1 की जगह A ले रहा हूँ, ठीक है, इस बात का कन्फ्यूज मत होना है, L1 की जगह A ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। L ग्रेटर देन 2A है, ठीक है। इन दोनों लेंथ से अगर ये बड़ा है, मतलब ये साइड वाली दोनों लेंथ को मिलाकर बीच वाली बड़ी है, तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम लोड लगता है वो लगता है W/8L²-K4A², ठीक है, ये मैक्सिमम लगता है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम, मतलब ये पॉजिटिव साइड है, जो नेगेटिव साइड होगा वो होगा W² / 2, ठीक है। पॉजिटिव साइड क्या होगा, W² / 2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर L=2A है, ठीक है, अगर L=2A, अगर L=2A है, ठीक है, ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात करते हैं, अगर L=2A है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, सिर्फ ये टच होगा, ठीक है। अगर L की वैल्यू इन दोनों साइड L1 को मिलाकर L=2 दोनों की वैल्यू अगर सेम है, ठीक है, मतलब दोनों भार जो ओवर हैंगिंग है इन दोनों को मिलाकर और बीच की वैल्यू मिलाकर दोनों सेम है, मतलब L=2A है, ठीक है, तो ये यहाँ पर ओवर हैंगिंग, यहाँ पर तो होगा 0, ठीक है, यहाँ पर होगा W² / 2, W² / 2, ठीक है, दोनों साइड। W² / 2, ठीक है, ये भी W² / 2, ये होगा W² / 2, ठीक है। चलिए अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस, L= अगर 2A है, ठीक है, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट ये नीचे रुक जाएगा, ठीक है, तो ये W² / 2, ठीक है, ये होगा W8L²-4A², ठीक है। चलिए अब ये तो मैंने आपको 3 केस बता दिए हैं, ठीक है। अब इन तीन केस में से जो हमारा इस क्वेश्चन में बता रहा है कि इस फॉलोइंग शोन इन फिगर देन मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू अ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यह है और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यह है, इन दोनों को इक्वल करने के बाद हमारी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द L1, मतलब ये A की वैल्यू निकालनी है, A की, ठीक है, मैंने L=A कर दिया है, ठीक है, तो L1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो मैं इसे रफ करता हूँ, ये 2 केस एक्स्ट्रा में बताए हैं, ठीक है, बस इसका तीसरे केस का काम है इसमें, इस क्वेश्चन में, तो वो फर्स्ट केस। ठीक है, L=1 हमने A मान रखा है, ठीक है। चलिए अब W/8L²-4² = W²² / 2, इससे ये कितना आया, 4, W से W कैंसिल आउट, तो कितना बचा, L²/4 - A² = A², ये जाके इधर 2 हो गया, ठीक है, L²-4 ये इधर माइनस के इधर जाके प्लस हो गया, तो 2A², ठीक है, ये इधर आ गया नीचे 8
तो एल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन फोर इंटू टू, ठीक है। चलिए अब ए इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन फोर इंटू टू का रूट, अगर मैं स्क्वायर हटा लूँ ए का, ठीक है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन टू रूट टू, ठीक है, एल अपॉन टू रूट टू, तो डी इज करेक्ट वन, ठीक है। वैसे ये निकालने की निकालना है मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, लेकिन इसकी नीड नहीं है, ये आपको याद रखना है कि अगर L ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं मैक्सिमम किसी भी ओवर हैंगिंग बीम को अगर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग न्यूटन एट अ पॉजिटिव, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एज अ नेगेटिव, ठीक है, ये मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए हमें L A की वैल्यू जो, ठीक है, जो L1 की वैल्यू है L अपॉन टू रूट टू, ठीक है, अगर हमें सबसे सस्ता बीम बनाना है ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है, तो जो हमारी जो ओवर हैंग करना है वो ओवर हैंग जो हमें करना है, ठीक है, अगर हम कोई साइड बनाते हैं और हमें मोस्ट इकोनॉमिकल बीम बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर मोस्ट इकोनॉमिकल बीम बनाना है तो उसमें L1 की वैल्यू L अपॉन टू रूट टू लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो मैंने प्रैक्टिकल, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, इसने कहा है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, अगर ये ना पूछ के ये पूछ ले कि मैक क्या नाम मोस्ट इकोनॉमिकल बीम कंडीशन में हम L1 की वैल्यू कितनी रखे हैं, ठीक है, तो भी यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल ना करा के ये पूछ ले कि मोस्ट एफिशिएंट या मोस्ट इकोनॉमिकल बीम कौन सा है, ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है, तो इसमें L1 की वैल्यू हम कितनी रखें, तो L1 इक्वल टू होगा L अपॉन टू रूट टू, ठीक है, दैट इज़ करेक्ट वन, ठीक। चलिए दिए आज की हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी मैं कंप्लीट सीरीज लेकर आता रहूँगा ऐसी, ठीक है, जिसमें सोम में आपको लगभग 6-7 वीडियो में आपकी सोम कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।